हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनीषा। तो आज का जो टॉपिक है वो तो आपको पता चल ही गया है वीडियो के टाइटल से कि क्या टॉपिक है। यस, आज हम बात करेंगे, मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि जो मेरा बेटा है वो 11 ईयर का है और मेरी बेटी अभी 2.10 ईयर्स की है, तो बहुत जल्दी वो 3 ईयर्स की होने वाली है। तो घर में जब बच्चे होते हैं तो बीइंग ए पेरेंट हमें लगता है कि उनको सारी चीज़ें मिले, आराम से वो बैठे रहे, हम उनको सब कुछ सर्व करते रहे, सारी फैसिलिटीज़ मिले, सब कुछ है। लेकिन ये तो हो गया प्यार, लेकिन उनको फ्यूचर के लिए कैसे रेडी करेंगे वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जो आगे वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले वर्किंग थी तो उस टाइम पे भी मेरे बेटे को कुछ था कि मैं उसको कुछ सिखाऊँ ताकि वो डिपेंडेंट रहे। और अब की जो सिचुएशन आई है ना, इसको देख के तो मतलब मुझे बहुत अजीब लगा, बहुत मतलब क्या बताऊँ कैसा लग रहा है। क्योंकि अगर आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत सारे मैसेजेस आए थे बच्चों के, जिसमें कि वो जहाँ वो हॉस्टल में रहते थे या कहीं पीजी में रहते हैं, तो वो क्या था, वहाँ पर वो परेशान हो गए थे इस सिचुएशन में, क्योंकि लॉकडाउन था, मेड नहीं आ रही थी, कुक नहीं आ रहा था, क्लीन करने वाला नहीं आ रहा था, कोई भी मतलब आपको पता ही है सिचुएशन क्या थी। तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे, इवन जो मैरिड गर्ल्स या मैरिड बॉयज़ हैं, नॉट गर्ल्स और बॉयज़ की यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। तो जिन लोगों ने अपने काम नहीं किया था, उन लोगों को इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए थे, और बहुत सारे मतलब लड़कों के ज़्यादा मैसेज थे ये, जिन्होंने अपनी मम्मा को थैंक्स बोला था, अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोला था कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें इतना कैपेबल बनाया कि इस टाइम पर हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो है तो बहुत भयानक, बहुत बेकार सिचुएशन है ये, लेकिन इस सिचुएशन में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आई नो कि थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन वीडियो का जो कंटेंट है, जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, इसलिए वो मैं पहले से शेयर कर रही हूँ कि इस सिचुएशन में भी हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई है। कौन अपना है, कौन पराया है, कैसे हम बिना सारी सुविधाओं के रह सकते हैं, कितना हम छोटी सी चीज़ से काम चला सकते हैं, बिना शॉपिंग के रह सकते हैं, बिना बाहर के खाने के रह सकते हैं, सारी चीज़ें हम घर में कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस सिचुएशन में हम लोगों को सिखाई हैं। उसी में एक सिचुएशन ये थी कि जब आपके बच्चे आपके साथ नहीं होते हैं, वो अकेले हैं, उनके पास कोई कुक नहीं है, क्लीनिंग वाला नहीं है, लॉन्ड्री नहीं कर सकते, तो वो उस सिचुएशन में क्या करेंगे अगर वो कहीं फंस गए हैं। तो जहाँ अगर आपने बच्चों को तैयार नहीं किया है, वहाँ पे तो हो जाएंगे वो परेशान, लेकिन अगर आपने इनको तैयार किया है तो वो बिल्कुल आराम से रहेंगे। तो यस, मैं बात कर रही हूँ कि बच्चों को सारे चीज़ें आनी चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरा 11 ईयर का बॉय है, तो मैं उससे घर के अपने जो काम है वो करवा रही हूँ, मैं वो उसको सिखा रही हूँ। और ये हैबिट हमें डेवलप करनी होती है जब बच्चे छोटे होते हैं, और ये कोई भी मतलब एक ऐसे स्टेज से शुरू कर सकते हो जब बच्चे को चलना आ जाता है ना, वो जब चलने लग गया है, समझने लग जाता है, तो आप इस चीज़ को तभी से बच्चों में ये हैबिट डेवलप कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं, बातें बहुत सारी हो गई, कि क्या क्या हम बच्चों से करवा सकते हैं, उनको फ्यूचर के लिए रेडी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में आगे डिस्कस करूँगी। तो रियली सॉरी बहुत लंबा हो गया, बट ये एक चीज़ थी जो मुझे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, एंड आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आगे जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप उससे रिलेट कर पाएंगे और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो फ्रेंड्स, आई नो कि सुनने में आजकल लोगों को लगेगा कि बच्चों से काम, घर का काम करवाएं, हम हैं तो बच्चों को क्या जरूरत है घर का काम करने की। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप बच्चों को घर के काम में इन्वॉल्व करते हैं तो वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड ये बेन ही स्टडी भी यही शो करती है कि अगर बच्चे घर के काम में इंटरेस्ट लेते हैं, आप उनसे घर का काम करवाते हैं, तो वो मोर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको ज़्यादा अच्छा लगता है अपने घर में काम करके, और वो उससे काफ़ी कुछ सीखते भी हैं। तो मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मैं दोनों को ही उनके एज के अकॉर्डिंग जो काम है वो करवाती हूँ। दूसरा मेरा पॉइंट है कि जब भी आप बच्चे को घर का कोई भी काम अगर बच्चा करते हैं करता है, तो उसको फील करवाइए कि उसने जो काम किया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं ग्रोसरी लेकर के आती हूँ, आप देख रहे हैं नीरव ग्रोसरी बाहर निकाल रहा है,
तो उसके बाद मैं उसको थैंक यू बोलती हूँ और कहती हूँ कि बेटा आपने थैंक यू सो मच, आपने मेरा काफी काम कम कर दिया, अदरवाइज मुझे इतना टाइम इस काम को करने में लग जाता। तो उससे वो खुश भी होता है और उसको लगता है कि हाँ उसने कुछ इम्पोर्टेंट काम किया है, मम्मा की हेल्प की है। सेम इसी वजह से जब बच्चा कोई भी काम करता है स्टार्टिंग में या फिर बाद में भी, आप बच्चे से परफेक्शन की उम्मीद ना करें कि वो परफेक्टली किसी भी काम को करेगा। जैसे कि नीरव अभी तह लगा कर आप देख रहे हैं, तो मैं बस आप लोगों के सामने एग्जाम्पल रख रही हूँ। तो उसने अपने अकॉर्डिंग काफी अच्छा किया है, लेकिन मैं इस तरह से नहीं लगाती। मैंने उसको बताया कि बेटा इस तरह से नहीं लगता है, लेकिन उसने कर दिया। वो बिल्कुल अपनी अलमारी सेट कर देता है, उसके बाद में उसकी अलमारी में जा करके उसको दोबारा से सेट करती हूँ। तो बच्चे को परफेक्शन की उम्मीद ना करें, वो जितना कर रहा है उसको हमेशा ही अप्रिशिएट करें, ताकि वो इनिशिएट ले आगे और काम करने का। तो बच्चा बच्चा ही है, उससे बिल्कुल भी उम्मीद बड़ों के जैसे ना करें, उसको जैसे वो काम कर रहा है उसको करने दें। फिर देखें आप काम खत्म होने के बाद उनकी खुशी कितना खुश हो जाते हैं कि उन्होंने काम किया है। सेम इसी तरह से परी है, उसको भी मैं उसके टॉयज है, उसकी चप्पलें हैं, बोलती हूँ कि बेटा इनको अपनी जगह पर रखो तो वो रख देती है। जैसे भी उसको समझ में आता है वैसे वो कर देती है। तो जैसे जैसे हैबिट अभी हम बनाएंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे की हैबिट अब वो डेवलप होती है। तो जैसे जैसे बड़े होती जाएगी तो उन चीज़ों को करती जाएगी। और अभी से अगर मैं उसको बोलती हूँ, जैसे उसके टॉयज अगर बिखरे पड़े हैं या उसकी चप्पलें हैं जो भी हैं, तो वो फिर उसकी हैबिट वही रहेगी उन चीज़ों को वहीं पे छोड़ने की। अब देखिए वो मशक्कत तो कर रही है अपने चप्पल रखने की जैसे भी जहाँ उसको जगह मिलती है वैसे कर रही है। और परी की सबसे अच्छी बात है वो अपनी चप्पलें हमेशा अच्छे से रखती है और अपनी चप्पलें हमेशा घर के बाहर निकाल के आती है। ये उसकी बहुत अच्छी हैबिट है जो कि डेवलप हुई है। नेक्स्ट टिप है कि बच्चों को डिसाइड करने दे कि उनको क्या काम करना है। जैसे कि घर के कुछ काम होते हैं, लॉन्ड्री, जैसे मैले कपड़े हैं उनको मशीन के अंदर डालना, सूखे मैले कपड़े जब वो धुल जाते हैं तो सूख जाते हैं उनको निकालना, और मेरी हेल्प करना। वो जैसे मैं कपड़े सुखाती हूँ तो नीरव मुझे कपड़े देता है, मैं कपड़े डाल देती हूँ मशीन से, वो निकालता है, मशीन के अंदर डालना, निकालना और सुखाने में हेल्प करना। तो ये सारी चीज़ें नीरव करता है। और उसके बाद जैसे कि उसको और भी काम मैंने कराए हुए हैं, जैसे कि आप उसको अपना बेड ठीक करना है या फिर डस्टिंग करनी है, वैक्यूम करना है, ये सारे छोटे छोटे काम होते हैं जो नीरव करता है। तो वो अप्रोप्रिएट है उसकी एज के, तो एज के अकॉर्डिंग ही बच्चे को डिसाइड कर दे कि वो क्या उसका काम करने की अभी एज है, उसके अकॉर्डिंग उससे छोटे छोटे काम करवाएं। तो इससे उनकी जो हैबिट है वो बनी रहती है। और जैसे कहते हैं ना कि घर का जो एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बच्चे काफी कुछ सीखते हैं, तो सेम ऐसे ही है। जब नीरव काम करता है तो परी को लगता है कि मैं भी काम करूं, मैं पीछे रह गई हूं, तो वो भी जो ना करना होता है वो भी करने लग जाती है। मम्मा ये कर दू, मम्मा मैं ये करूं, मैं ये करूं, ऐसे वो बोलती है। तो मैं उसको बोलती हूँ छोटी छोटी चीजें जो उसको पता होती है, जैसे उसके टॉयज रखने हैं या बर्तन रखे हुए हैं उनको सिंक में डालना है या डस्टबिन में कुछ कूड़ा डालना है, तो वो मैं उसको बोलती हूँ कि परी आप ये करो, तो परी वो कर देती है। उसको पता है कि जो गंदे कपड़े हैं वो कहाँ डालने हैं, वो वहाँ पे डाल के आ जाती हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे काम है ना, वो भी आप छोटे बच्चों से करवा सकते हैं। और ये वही होता है कि घर में जब बड़े काम कर रहे हैं तो छोटा उनको देख के वैसे ही काम वो भी सीखता है। तो सेम जब मेरा बेटा करता है तो परी को होता है कि हाँ मैं भी काम कर लूँ। जैसे उसको अपने टॉयज को रखने की हैबिट है, तो हैबिट क्या मैं मतलब ये बोलूँगी, उसको बोलना होता है कि परी आप अपने टॉयज रखो, खुद से तो वो इतनी छोटे कि खुद से तो रखेगी नहीं, तो बोलना पड़ता है। लेकिन हाँ बोलने के बाद वो बहुत ही अच्छे से करती हैं। तो इसीलिए घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जहाँ पे बच्चा देख करके सीखे। बच्चे को बोलना तो पड़ेगा, लेकिन जब वो देखेगा कि सब काम कर रहे हैं, सब घर में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो वो भी करे। तो इसी तरह से आप अर्ली एज में ये सब चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली में तो हम सब रहते ही हैं, तो कुछ ऐसे हमें स्मार्ट्स गैजेट्स यूज करने चाहिए जिसको कि हर कोई यूज कर सकता है। जैसे कि आपका स्पिन मोप हो गया या आपका वैक्यूम क्लीनर है, तो इनको बच्चे भी इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे न्यूक्लियर फैमिली है और आजकल की जैसे सिचुएशन जो हुई है अभी, तो उसमें आपको कोई हेल्प तो मिलती नहीं है, साथ में फैमिली भी आजकल बहुत दूर रहती है, तो आप कोई इलनेस है या कुछ भी ऐसा है, तो उस टाइम पे बच्चों को अगर छोटा मोटा आपका काम आता है, जैसे कि आप अपने टावल रखने हैं, सोफा क्लीन करना है, बेड क्लीन, बुक्स अपने साथ में रखना, आपके कोई भी ऐसी चीजें हैं, जैसे आपके मोस्टली क्या होता है जो वायर वगैरह होती है वो हमारी फैली रहती है, जैसे चार्जर वगैरह हैं, तो उनका
बच्चे तो उस काम को करेंगे ही, उसके साथ के साथ आपको भी उनका एक फिक्स प्लेस होना चाहिए उन सब चीजों का, ताकि आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे सके और बच्चा उसको इजीली फॉलो कर पाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि बच्चे को आप क्लियर इंस्ट्रक्शन दीजिए कि आपको इस काम को इस तरह से करना है, तो बच्चा उसको करेगा, उस चीज़ को कॉम्प्लिकेट ना करें। तो जैसे कि मैंने अपने घर में हर चीज़ का एक प्लेस मेरा बिल्कुल डेडिकेटेड है कि हर चीज़ वहाँ पर कोई चीज़ का है उसको वहाँ पर रखना है। जैसे कि वायर मेरे सारे एक जगह पर जाएंगे, तो उनको पता है कि जब भी उनको वायर रखनी है तो वो एक जगह पर जाए, तो इसलिए उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दें और एक फिक्स प्लेस जरूर बनाएं। एंड लास्ट वर्क है कि बच्चे की अगर एज अप्रोप्रिएट है तो उसको थोड़ी सी कुकिंग भी आनी चाहिए, जैसे कि दूध गर्म करना, चाय बनाना, अपने लिए मैगी बनाना। तो ये एज के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है। तो मैंने अभी नीरव को इसी साल से स्टार्ट किया है, थोड़ा बहुत वो पिछले साल से कर रहा था, लेकिन मैंने अभी उसको 11 ईयर का होने के बाद ही मैंने उसको स्टार्ट किया है। तो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग ही आप ये सब चीज़ें स्टार्ट करें, और सबसे पहले उनको इन चीज़ों को चलाना और इन चीज़ों की समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इनको यूज़ कितना मतलब केयरफुल इनको यूज़ करना है। तो ये एज के अकॉर्डिंग ही ये सब चीज़ें सिखाएं। तो मेरा बेटा जब 11 ईयर का हो गया है तो मैंने उसको इन सब चीज़ों में उसको इन्वॉल्व कर लिया है। तो वो कभी भी जैसे मुझे अगर रिक्वायरमेंट होती है, कभी घर पे कोई नहीं होता, आपको पता है मेरी मेडिकल सिचुएशन, तो नीरव मुझे चाय बना के दे देता है, अपने लिए वो मैगी बना लेता है। तो इतना वो कर लेता है कि किसी और को ना देखना पड़े कि कोई आएगा खाना बनाएगा तो हम खाना खाएंगे, तो इतना वो काम कर लेता है। जैसे कि फ्रूट्स हैं उनको कट करना और मैगी बनाना, ये सब चीज़ें, ताकि वो एटलीस्ट अपना एक मील तो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो और इसमें भी उनको बिल्कुल अच्छे से इंस्ट्रक्शन दें, चीज़ों को गैस को ऑपरेट करना केयरफुली वो जरूर सिखाएं। फ्रॉम दीज ऑल टास्क आप बच्चे को हमेशा प्रेज करते रहें, उनको इनक्रेज करते रहें सब काम करने के लिए। इससे उनमें एक पॉजिटिविटी आती है और उनको मोटिवेशन मिलता है चीज़ों को करने में, जो कि फ्यूचर में उनके लाइफ में बहुत ही काम आने वाली है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जो मैं अपने घर में अप्लाई करती हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं या मेरे कुछ मिस्टेक्स हैं या कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है एक दूसरे से सीखने का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और आप ज़रूर अपने वैल्यूएबल सजेशंस हैं वो आप मुझे देंगे। तो चलिए फिर किसी नए टॉपिक पे किसी नए वीडियो के साथ मिलती हूँ मैं आपको। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और यस आपका जो एक लाइक है वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे ही कुछ एक अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं टॉपिक्स जिन पे आप वीडियोज़ देखना पसंद करेंगे। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आपसे किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।